लीजिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं करेले का एकदम नई वाली रेसिपी। ये नई रेसिपी इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है ना कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसके साथ ना इतना खाने वाले हैं, खाना इतना खाने वाले हैं कि आप भूल जाएंगे कितनी डाइट है आपकी। एग्जैक्ट, जी हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और यकीन मानिए, इसमें कोई भी खास मेहनत नहीं करनी है, कोई भी खास सामग्री नहीं चाहिए। बहुत ही एक दो तीन मटेरियल से हम इतना टेस्टी करेले को बनाने वाले हैं ना कि आप सभी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले हैं, बहुत कम समय में बहुत कम सामग्री के साथ। चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमें 3 से 4 लहसुन की कली, 2 हरे मिर्च और 1 चम्मच हम लिए हैं यहाँ पे जीरा। इसको पीस करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्दी पाउडर डाल दीजिए 1 चम्मच। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और हरी मिर्च तो हमने डाला ही है, साथ में हम लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। हाँ, एक चीज़ और भूल रहे हैं, जी हाँ, 1 चम्मच आमचूर डाल दीजिए, तभी तो स्वाद एकदम बढ़ जाएगा। मिर्चा करेले की सब्जी में ज़रूर से डाला करिए। मिर्चा डालने से करेले का कड़वापन ख़त्म हो जाता है, और जब कड़वापन करेले का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो उसका स्वाद आता है ना, जिसका कोई जवाब नहीं होता। और फ़ायदेमंद तो करेला बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कड़वापन ख़त्म करके खाएंगे ना, तो सभी खा पाएंगे और एकदम आराम से चबा चबा के खा पाएंगे। चलिए आपको हम करेला दिखा देते हैं कि करेले को हमने कैसे कट किया है। इसको एकदम फिंगर, जैसे आपने आलू फिंगर जो खाते हैं ना, बिल्कुल वही है ये, वैसे ही पतली पतली लंबी लंबी पीस में हमने काट दिया है। 2 करेले में इतना हमने तैयार किया हुआ है। अब कढ़ाई में तेल गर्म भी हो गई है, तो चलिए 1 चम्मच डाल देते हैं मेथी दाना, छोटी चम्मच से। और ये जो मसाले हमने बना करके तैयार किए थे, उसको हम करेले में ऐसे लपेटेंगे कि उसको पूरा कवर कर डालेंगे। बस गरम गरम डालते रहिए। ये गया एकदम मसाले में ओत प्रोत हो के सारे करेले, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। कौन कौन बनाना जानता है ज़रूर से बताइए। चलिए इसको हम थोड़ी देर ढक देते हैं, सेट हो जाइए। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लो फ्लेम में ढकिएगा, वरना पूरी तरीके से जल जाएगा, और जल गया ना तो पूरा स्वाद खराब, मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बस धीरे धीरे इसको पलटते रहना है। करेला ज़रूर से खाना चाहिए, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, जितने भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं होते हैं। लीजिए, बातों बातों में करेला तैयार भी हो गया। हाँ, बहुत कम समय में बनके तैयार भी हो गया। बस इसको लो फ्लेम में ढक दीजिए, मसाले को लपेट करके उलट पलट करते रहें, और हल्का सा इसको पका लीजिए। 2 बार अगर ढकना पड़े तो 2 बार ढक दीजिए, और बस करेला बनके तैयार हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट, इतना टेस्टी, खाइए। इसके साथ आपको रोटी खानी है, पराठे खानी है, चावल खानी है, जो भी खाना है खाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर दीजिएगा।